और ये जो प्ले ग्राउंड है ये इस बात का गवाह है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ये योगदान से बना था। आखिर कहियल हमनी के बिना स्टेडियम के खेलम जा, आखिर दक्षिणांचल में स्टेडियम बनी कहियो। अरे बनी एक लोग तैले नहीं हो जाए, सरकार जमीन जो आती है वो तो ऐसा कैले बड़े सरकार, ये हर प्रखंड में हम बुलाएंगे। यहाँ के सीओ जो प्रभारी है उनसे पता करके जहाँ भी अगर जगह की उपलब्धता है, मैं वादा करता हूँ कि विद इन 6 मंथ हम काम स्टार्ट करवा दूंगा। खिलाड़ी जीती लो तो पुरस्कार लेके जाइ लो, आ दर्शकों खातिर कुछ होके के चाहिए नू, तो जे भी दर्शक कह चली ओकरा के 1000 रुपया इनाम दे जी। आ देखी अच्छा बाबे अबे 1000 दियै, आ देखी आ संगे संगे 1000 रुपया के संगे संगे एक बोरा यूरिया दियै, जितना कह चली लो उतना यूरिया दियै, काहे से किसान लोग बावे ले जा खेत में छिटी। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हम इराना रुआ देख रहा बड़ी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम जो भी आंदर में भी आई, आंदर के खेल मैदान हो और रुआ के हम बता दी कि आंदर के खेल मैदान में और अभी जोन बाटे वो सिवान केसरी स्वर्गीय गेना पहलवान क्रिकेट टूर्नामेंट जोन चल रहा बा, एक फाइनल मैच जोन बा वो बीएचयू बनारस बनाम मुजफ्फरपुर के बीच खेलल जा रहा बा। पहले टॉस जीत के बीएचयू के टीम जोन भी आ वो खेल के 108 रन बनैले भी आ, और उकरा बाद मुजफ्फरपुर के टीम जोन बा वो खेले उतरल भी आ और 2 विकेट के नुकसान पर अभी 57 रन हो चुकल बा, 52 रन के जरूरत बटे और मैच जोन बटे ऐसा लागत है कि आसानी से मैच जोन बा वो जीत ली मुजफ्फरपुर के टीम। लेकिन फिर भी दर्शक के कुछ राय जाने की हम कोशिश करें और देखिए दर्शक जोन बड़े भारी मात्रा में है उपस्थित बड़े, देखी लो भागे लागल लो पहले ही के जीती बाबू मुजफ्फरपुर। हां एकर खेला देखे मुजफ्फरपुर के, हां चाहत रे तू जीतो, हां चली मुजफ्फरपुर के लइका प्रशंसक बटे के जीती मुजफ्फरपुर। खराई बोला अंदर मुजफ्फरपुर पक्का मार दलस दे जीतो सीसीटीवी ना नुमारी तू दगला 2 विकेट 0 पे जीती अभी खेलेगा ना, खेलेगा हां अभी खेलेगा। देखी जन दर्शक बड़े वो ज्यादातर यहां पर दर्शक के उम्मीद बका भैया के मुजफ्फरपुर मैच जोन बा एक तरफा अगर कहल जाओ तो मुजफ्फरपुर के पाला में बा और यहाँ पर बालू गाय देखा घुमा के दिखा दो का बाबू के जीती मुजफ्फरपुर एकदम बाबे के जीती, मुजफ्फरपुर एकदम जीती। हमारे शिवेंद्र भी यहाँ पर उपस्थित है, बढ़िया के खेली भाई, तीन ओवर में क्या कुछ होता है लेखा जो कराइए। शिवेंद्र जी आपका स्वागत है, चलिए देखिए दर्शक जन बड़े तो यहाँ पर लगातार मुजफ्फरपुर के सहयोग में बढ़े सपोर्ट में बढ़े और चूंकि जौन बानू आयोजन जौन बा एक तरफा लाग रहा बा, हम थोड़ा सा आयोजन के बारे में भी जाने की कोशिश करें कि आखिर आयोजन के बारे में दर्शक का कहता का भैया क्या लगा था के जीती मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जीत रही है। ये मैच कैसन मौज बढ़िया होता है, आयोजन बढ़िया है, कहो कैसन मैच जो दर्शक है बैठ जाए साइड हो जाए ताकि आयोजन के बारे में का कह रहे हैं उनको साफ साफ दिखाई ठीक बा, कृपया हट जाए आप लोग। मुजफ्फरपुर बढ़िया चलती है अभी ना, ये टूर्नामेंट जो लोग करावत तो लोग के बारे में का कह बहुत बढ़िया होता है। एक तरफा जोन बाटे यहाँ पर दर्शक जोन बाड़े, एक तरफा दर्शक जोन बाड़े वो सपोर्ट में बाड़े यहाँ पर मुजफ्फरपुर के सपोर्ट में और यहाँ पर अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर जोन बा विनोद जायसवाल जी पहुँचल बानी, एक बाद हिना साहब जी पहुँचम। हम विनोद जायसवाल जी से बातचीत करे के कोशिश कर लेते रही, अति विशिष्ट अतिथि बनी आज के और यहाँ पर अतिथि के तौर पर आंदर नगर परिषद के चेयरमैन भी बानी। अब मैच देखे पहुँचल बानी कैसन लागत अभी तारा और अपन घर हो? बहुत अच्छा लागत है, बढ़िया आयोजन होता, बहुत बढ़िया होता आयोजन, बढ़िया होता जी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विनोद जायसवाल जी बनी हमने के सिवान के एमएलसी विनोद जायसवाल जी पहुँचल बनी। एमएलसी साहब आयोजन के बारे में बताई अभी तो तुरंत नहीं है हुआ, लेकिन फिर भी देख के कैसा लागत है? भाई मैच तो काफी शानदार हो रहा है, नो डाउट हम देखे हैं कि प्लेयर्स भी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है कि मैच के अभी जो सिचुएशन है
उसके अनुसार लग रहा है कि अपना स्टेट का मुजफ्फरपुर टीम जीत रही है, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर रह चुका हूँ और मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि सिचुएशन मुजफ्फरपुर के पक्ष में है। आयोजन के बारे में क्या कहे, मैं कितना सुंदर आयोजन बैठे। देखिए परमात्मा जी बेस्ट ऑर्गेनाइजर है, पहले भी जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं आरजेडी के, तो उनके नेतृत्व में मतलब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल काफी अच्छा कर रहा था। कि एक तो छोटा टूर्नामेंट है, जब चुनाव का बड़ा प्रभार का नेतृत्व ये अच्छा करते हैं तो बट नेचुरल की इस मैच का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा किए हुए हैं और देखने से लग भी रहा है कि सब कुछ सही है। यहाँ के जनता के और चाहे आयोजक के एगो डिमांड बार MLC बनी तरुआ से कहल जा सकता है, सत्ता में बनी अभी भी यहाँ पर खेल मैदान नहीं खे। अगर बात कर जाओ खेल मैदान के तो राजेंद्र स्टेडियम और एगो धनौदा में बनल स्टेडियम बा जौन की अभी चालू नहीं खे बोल तो ये क्षेत्र में अगर सिवान के दक्षिणांचल के बात कर जाओ तो स्टेडियम कब मिली, कार रहुआ मार्फत से कुछ हो सकता। देखिए मुझे 100% कंफर्म है कि हर एक प्रखंड में स्टेडियम खोलने का बिहार सरकार की योजना है और उसका पैरामीटर है कि इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए और जो जो ग्राउंड अवेलेबल कराया गया वहाँ ऑलरेडी फंड भी अलॉटेड हो चुका है और काम भी लग गया है। जहाँ तक मुझे वो यहाँ के CEO जो प्रभारी हैं उनसे पता करके जहाँ भी अगर जगह की उपलब्धता है मैं वादा करता हूँ कि विद इन 6 मंथ हम काम स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर परमात्मा राम जी बनी पूर्व MLC और राजद के जिला अध्यक्ष रह चुकल बनी, अभी आयोजन समिति के अध्यक्ष बनी। परमात्मा जी हमनी के खाली आयोजन कराएम जा कि स्टेडियमों बनी हमनी। देखिए यहाँ तो ये मैदान था नहीं, जब हम प्रमुख बने थे तो यहाँ रोड जो था ये बीचे बीच था, तो रोड को हम लोग साइड में करवाए और आगे नर्सरी का जमीन था, पेड़ पौधे थे, इसको हम लोग पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साबदीन साहब के सहयोग से इसको हम लोग बढ़वा करके और फील्ड के लायक बनाए हम लोग। तो ये चूँकि प्रखंड का ये फील्ड मैदान है तो इसको खेल के लायक हम लोग बनाए हैं, लेकिन अब सरकारी स्तर पर जो सरकार ने जो योजना बनाया है कि हम लोग जो है कि खेल का हम स्टेडियम बनाएंगे हर साल, तो वो अपना सरकार करेगी लेकिन इसको हम लोग अपने स्तर से खेलने लायक बनाए हैं, जहां पर क्रिकेट का मैच इतना अच्छा हो रहा है और फुटबॉल का भी मैच हो रहा है, इसमें साथ साथ 4 गेम हो रहे हैं, फुटबॉल का हो रहा है, क्रिकेट का हो रहा है, वॉलीबॉल का हो रहा है, कबड्डी का भी हो रहा है, तो कल फुटबॉल का फाइनल होगा और उसके बाद से वॉलीबॉल का होगा। तो इतने अच्छे आयोजन, जितना संसाधन है उतना में हम लोग अपने स्तर से इस शुरुआत किए हैं इस साल पहली बार और आगे इसे बेहतर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे और बेहतर फील्ड का और कैसे बेहतर इंतजाम हो सके, हम लोग कोशिश करके अपनी व्यवस्था को करने का काम करेंगे और जहां सरकार की जरूरत पड़ेगी सरकार से हम लोग मदद लेने का भी काम करेंगे। जायसवाल जी कहनी है कि अगर हमारा के जगह उपलब्ध कराओ जी तो 6 महीना में काम लगवा दें, तो रहुआ ते जगह स्थानीय बनी COB से बतिया के अगर यहाँ कोनो सरकारी जमीन हो गए तो व्यवस्था बनावल जा सकता है। हाँ ऐसा हमने के ढूंढम सन होकर रखे, अभी पहली बार हमने के कैले बनी सन ढूंढत तनिशन, अगर ऐसा मिल जाए तो हमने के निश्चित रूप से स्टेडियम बनावे के काम करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि युवराज सुधीर सिंह के अंदाज में अभी पिंटू कुशवाहा जी बनी नगर परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि बनी। अच्छा का अनाउंसमेंट हो अभी दर्शक खातिर भइल बा कि खिलाड़ी लोग खातिर भी? देखिए खिलाड़ी लोग खातिर तो सभे लोग बावे, दर्शक जितना आइल बाबे सब लोग किसान बाबे अपन समय निकाल के आइल बा, खिलाड़ी जीतिलो तो पुरस्कार लेके जाइलो आ दर्शकों खातिर कुछ होके के चाहिए तो जे भी दर्शक कह चलिए ओकरा के 1000 रुपया इनाम दल जी। देखिए अच्छा बाबे अबे 1000 दियाई आ देखिए आ संगे संगे 1000 रुपया के संगे संगे 1 बोरा यूरिया दिया, जितना कह चली लो उतना यूरिया दिया, कैसे किसान लोग बावे ले जाए खेत में छिटी। अच्छा पिंटू भाई रहुआ तो मैं आयोजक मंडली में बनी आयोजन कर रहा बनी, आज क्रिकेट के फाइनल बावे एक बाद फुटबॉल बा वॉलीबॉल बा कबड्डी बा, कितना सफलता मिलल बा आयोजन में रहुआ लोग अभी तक? बहुत अच्छा। देखिए मान ली कि रहुआ उपस्थित बानी
दर्शक उपस्थित बावे, जे भी इस क्षेत्र से जुड़ल लोग बा समाज में सब लोग उपस्थित भइल बा अपना अपना इसने स्पर्धा से। कितना अच्छा लगता, सब लोग खुश बा भैया, रुआवे नहीं तो और तनी जलवा कायम हो जाला। एगो चीज हम पूछनी एम एल सी जी से, और वहाँ के कहनी है कि अगर हमारा जगह उपलब्ध हो तो हम 6 महीने में स्टेडियम में काम लगवा दें, तो रउआ सत्ता में बानी यहाँ सरकारी जमीन बा कि नहीं बन सकेला? तब तो बहुत अच्छा बात बावे, ब्लॉक के जमीन है, यहाँ लोग कोशिश करें तो एनओ सी मिलिए जाए, लेकिन अब कोशिश कर लिया तब न जी। मान ली कि पूर्व में सदैव राम जी भी एक आवाज उठैले रहनी, लेकिन अभी कुछ आता पता नहीं है लगत, खाली खरगोचे के कुछ लोग जाने ला। चलिए एम एल सी साहेबानी अच्छा आदमी है, यहाँ के उम्मीद बाकी करें। चलिए देखिए, अभी आज ये मैच के मुख्य अतिथि जौन बनी हीना साहब यहाँ पर उपस्थित हो रहा बनी, और जौन आयोजन समिति के लोग बा दर्शक बने वो यहाँ पर गाजा बाजा के साथे और नारा लगावत जयकारा लगावत यहाँ पर स्वागत कर रहा बड़े हीना साहब के, सारण प्रक्षेत्र के एगो बिहार के बड़ा मुस्लिम लीडर हीना साहब यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हो रहा बनी। रुआ देख सकते हैं कि किस तरीका से भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत कल जा रहा बा, और भव्यता के साथ स्वागत करके मंच के तरफ लियाल जा रहा बा। दर्शक भी जौन बढ़े तो यहाँ पर आ रहा बढ़े, देखिए लगातार जयकारा लाग रहा बा और गाजा बाजा के साथ स्वागत करके यहाँ पर हीना साहब के स्वागत कल जा रहा बा। अंदर के खेल मैदान है, और अंदर खेल मैदान में आज सिवान के श्री ईश्वर के गेना पहलवान क्रिकेट कप के फाइनल मुकाबला में मुख्य अतिथि के तौर पर हीना साहब और लीलावती गिरी जी के आगमन भइल बा। और देखी कि आगमन जोन बाटे ये कितना भव्य तरीका से यहाँ पर स्वागत कल जा रहा बा, रउआ साफ देख सकतनी कि भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत कल जा रहा बा। और अब ऐसा लगता कि जौन मंच बा मंच चरचरा जाए, काहे कि लोग जौन बा भारी मात्रा में साथे जा रहा बा, तो मंच के भी ख्याल रखे के बाटे यहाँ पर। और खेल जौन बा वो अंतिम पड़ाव पर बटे, अब खेल खत्म हो गया बा। मोहम्मद कैफ और बंटी बैटिंग कर रहे बड़े, तो दर्शक में गर्मी बढ़ गई बा। यहाँ पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष लीलावती गिरी जी पहुँचल बनी, मैडम मैच देखे पहुँचल बनी, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बढ़िया आयोजन हो रहा बा, आयोजन के बारे में क्या? सबसे पहले मैं नया साल की शुभकामनाएं देती हूँ आपको और तमाम सिवान वासियों को। और खेल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपस में मेल मोहब्बत प्रेम का बढ़ावा देता है। खेल भी बहुत अच्छा खेल हो रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच। हमारे यही कामना करूंगी कि यह दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे बिहार ही नहीं देश में अपना नाम रोशन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज इस मैच में पहुंची है मुख्य अतिथि के तौर पे, कैसा आयोजन है इसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो इस आंदर के पावन धरती को मैं नमन करती हूँ, 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो प्ले ग्राउंड है ये इस बात का गवाह है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ये योगदान से बना था। और यहाँ पे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बने हुए हैं इस देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टूर्नामेंट में परमात्मा राम जी हमारी साथ आई, लीलावती गिरी जी और बहुत सारे नेतागण आए हुए हैं। मैं सभी को और नौजवान बच्चों को, जो बच्चे मैच में हिस्सा लिए हुए हैं, जो दोनों फाइनल टीम को, मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो लोग अच्छे से खेलें। जीत हार लगी रहती है, दोनों ही जीते हुए हैं प्लेयर। मैडम एक सवाल बनता है, जिले में तमाम आयोजन होते हैं, जिले के हर कोने में हर ब्लॉक में, लेकिन राजेंद्र स्टेडियम और उसके बाद एक दरौंदा में नया स्टेडियम बना है, हालांकि शिलान्यास अभी चालू नहीं हुआ है, तो आखिर कब तक हम लोग सरकारी जमीन में क्रिकेट खेलते रहेंगे या आयोजन कराते रहेंगे? देखिए सरकारी जमीन योगदान होता है सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छी बात होती है, ये खुशी की बात है ना कि हमारे सरकारी जमीन में हम लोग खेले। और रह गई बात कि अगर बहुत बड़े कोई जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो योगदान भी कर सकते हैं प्लेग्राउंड के लिए, तो ऐसे लोग तो अभी दिखते नहीं है, पता नहीं कोई दिख जाए आने वाले दिन में। स्टाइल बनी अंदर के ग्राउंड पर इतना बढ़िया मैच का आयोजन आता, क्या कहें एकरा बारे में? बहुत बढ़िया लगता, खूब फर्स्ट क्लास लगता, बड़ा पब्लिक जुटल बा, हम इसमें देखे में बहुत बढ़िया भाई होके के चाही। हम ये जाके एम एल सी साहब के परमात्मा राम के यहाँ के
लोगों के बाजार के लोगों के हम धन्यवाद देतनी कि ऐसा आयोजन पहले होत हला बीच में कुछ छूट रहा अब शुरुआत भइल बा बहुत बहुत धन्यवाद लोग के पा तो आखिर कहियल हमनी के बिना स्टेडियम के खेलेम जा आखिर दक्षिणांचल में स्टेडियम बनी कहियो अरे बनी एक लोग तैले न हो जाए सरकार जमीन जो आती है वो तो ऐसा कैले बड़े सरकार जो हर प्रखंड में हम बुलाएंगे जमीन के व्यवस्था लोग कर रहे हैं जमीन मिल जाएगा बन जाएगा अभी एको जमीन का ऑप्शन पाए कृषि फार्म मुरारपट्टी रघुनाथपुर में देखिए ये कृषि फार्म है नु किसी विभाग का है वो देगा सरकार को तब बन जाएगा वहाँ आ नहीं देगा कृषि विभाग तो कैसे बनेगा आयोजन समिति के बारे में क्या कहें जोनी आयोजन करे ले चार चार को खेल होता है खाली क्रिकेटे नहीं के फुटबॉलो बा कबड्डियो बा बालियो बाल बा तो हम तो बहुत बार धन्यवाद देवे की है कमिटी के बार बार धन्यवाद देते हैं स्वागत करते हैं जैसा प्रोग्राम करा रहे हैं लोग हमारे साथ यहाँ पर शहजादा हुसैन सिस्कर जी मौजूद बनी जौन की आंदर प्रखंड में जौन खेल होता एक और जन्मदाता कहल जानी और राष्ट्रीय समाज सेवी हैं आयोजन हो रहा बा क्रिकेट के एजा फुटबॉलो होता वॉलीबॉल भी होता कबड्डी भी होता का कहे में आयोजन के बारे में ये आयोजन तो बहुत हमनी के आंदर प्रखंड के बहुत शान बा आ ये खेल प्रतियोगिता के ये आज जौन क्रिकेट के जौन खेल हो रहा बा फाइनल मैच बहुत गर्व बाबे कि हमार पुराना बात याद आ गई कि केहू क्रिकेट के या हाल ना जानत रहे आ वो हमनी हम जौन बाबे कुछ यहाँ साथी हमार रही त्रिलोकी सिंह विजय सिंह प्रमोद यादव मनन जी विजय जी ये सारा लोग के लेके हम टीम बनौनी 1975 में आज बहुत गर्व और बहुत खुशहाली होता कि आज इस खेल मैदान में जौन बाबे जे तरह पहले देखनी वही तरह आज भी वही तरह के फील्ड बा हम आग्रह करम के जा बहुत बड़ा बड़ा लोग नेता आइल बा आज ले फील्ड में इतना बड़ा बड़ा खेल कूद भइल लेकिन ये खेल कूद के महत्व लोग ना समझल आ हमनी के खेल कूद के मैदान वही के छोटा रह गए आज हम ये आग्रह करें कि जे भी जौन बाबे पदे दाक्यारी आइल बा अपना स्तर से फील्ड के चौड़ा कर जाओ एक स्टेडियम बनावल जाओ आज कितना खुशी होता रहुआ जौन शुरू कही नहीं ओकरा के आज के लैका लो इतना भव्य बनैले बा बहुत खुशी बा ये तो बा हमरा अंदर कि आज खुशहाली देख के वह जज्बा वह जौन बाबे हमनी के नेव जौन डलल आदमी 1975 में आज वह खुशहाली बा लेकिन दुख ई बात के बाबे कि आज खेल कूद में इतना हमार नवयुवक जौन बाबे तैयार बढ़न उत्साहित बढ़न मगर जौन बाबे फील्ड वैसे ही रह गई ये फील्ड के जौन बाबे हम मांग करे कि फील्ड के जौन बाबे स्टेडियम बनावल जाओ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद काशी के प्रयोजक आजाद इंटरनेशनल स्कूल 15,000 दिए जाएंगे अरे यहाँ पर इंतजार रहे जड़ से खोद कर धकेला दर्शक जश्न मनाने के लिए सीमा रेखा के अंदर बार बार चले जा रहे हैं इंतजार के घड़ियां अभी आगे खींचती जा रही है शिवेंद्र भाई रोमांचक मैच नहीं है लेकिन अपने स्टार को देखने का रोमांच देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पोर्ट्स एकेडमी 10 दिनों के अंदर में इतना बड़ा भव्य आयोजन दिख रहा है चार खेलों का जिसमें कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी मुकाबले बाकी है 12 को समापन होगा वॉलीबॉल का फाइनल खेला जाएगा कल फुटबॉल यो साहबजादा सिसगर इस मैदान पे क्रिकेट के जन्मदाता अगली गेंद चौके के साथ बॉल अपने पास ले लें अंपायर और इस तरीके से 7 विकेट से चैंपियन बन चुके हैं गेरा पहलवान सिवान केसरी कप 2024 पर मुजफ्फरपुर का कब्जा हो चुका है और इस तरीके से देखिए तस्वीरें कैमरे में कैद करते हैं हमारे मीडिया कर्मी हीरो मुजफ्फरपुर के कप्तान आशीष सिंह ये देखिए कैमरे में तस्वीरों में कैद किया जा रहा है जोरदार तालियां बजाए उप विजेता इंतजार के साथ भी लगा हुआ है 15,000 की नगद राशि जिसके प्रयोजक आजाद इंटरनेशनल स्कूल और कप के प्रयोजक सबसे पहले तो मैं सारे मुख्य अतिथियों का अभिवादन करता हूँ और इस टूर्नामेंट के आयोजन का अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और सबसे बड़ी बात यहाँ के दर्शकों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट बनाया टूर्नामेंट को सफल बनाने में सबसे बड़ा हक दर्शकों का होता है और दर्शकों ने काफी सफल बनाया टूर्नामेंट को टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा कुछ चूक हुई हमारे से बैटिंग हमने खराब की और हमारी टीम ने उसको धन्यवाद आई
हुआ हमारे जितने भी अतिथि गण हैं उनका तहे दिल से मोहम्मद का स्वागत करता है, ख्याल करता है। देखिए बातें जो हो रही हैं शाहबीन साहब की, जो हमारे हाईकोर्ट तसीबान के शाहबीन साहब ने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन आपने क्या दिया उनको? कुछ नहीं दिया। मैंने यहाँ क्या क्रिकेट अकेडमी का फर्ज ही नहीं दिया और यहाँ पे बंद हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्व मरहूम सांसद साउदीन साहब जो सोचे थे कि यहाँ के लड़के आगे बढ़े, वही सोच के साथ हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आयोजन करता है कि हमें जगह दे कि हम कैफ क्रिकेट एवडी यहाँ आके फिर से आंदर में चालू करें। विकास पुरुष मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब के सपनों को जोरों शोर से जो अधूरे काम है उनका पूरा करने का काम हम सभी लोगों का है। और यहाँ का स्थानीय विधायक सत्यदेव राम जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस ग्राउंड को आप अपने फंड से मरम्मत कराएं और जितने भी चीजें हैं जो चीज नहीं हो पा रही है, जैसे आज कई सालों के बाद मैंने एक मंच से सुना कि हमारे एमएलसी साहब ने घोषणा की अगर नेक्स्ट मैच होगा तो यहाँ मंच हो। ऐसे नेताओं को लेके आने का काम है जो मंच दे, जो मंच पे आए तो घोषणा करें, उन्हीं चीजों को मजबूत करने का काम है। आप हम लोग की गार्जियन, हम लोग की सबसे प्यारी आयरन लेडी हिना साहब वही है। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हो जाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग कभी निराश नहीं होंगे। जो चीजें यहाँ के आयोजनकर्ता लगातार जो बोलते हैं हम चचा कि 75 सालों से आपने ये टूर्नामेंट कराया है, मैं आपको सलाम करता हूँ, लेकिन एक चीज से जरूर दुखित होता हूँ कि 75 सालों में इन दिनों बीचों में एक भी आंदर से खिलाड़ी नहीं निकला, ये भी अफसोस की बात है। इन चीजों पर सोचा जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट टूर्नामेंट हो तो आंदर का जो कैफ क्रिकेट एकेडमी का जो फ्रेंचाइजी हो वो विनर हो और यहाँ का कप्तान विनर हो। ये सोच लेके हमारे सारे युवा है, आज मैं मैच खेलने का मुजफ्फरपुर में कारण क्या था कि भाई यूपी में कप ना जाए। क्योंकि यह सरकार हमारी महागठबंधन की है, मजबूत सरकार है, वहाँ का हालत तो देख ही रहे हैं, यहाँ जरूरी है वहाँ का यूपी जाए कि मुजफ्फरपुर लेके जाए। बिहार रहे, बिहार जीते हमारा, चाहे दिल जो भी हो, पहले अपने सरजमी की माटी को नमन करना है, अपने मादर वतन को प्यार करना है, उसी तरह अपने बिहार की जमीन से जो भी मैचेस होते हैं तो आप ये ना सोचे एक डिस्ट्रिक्ट से ये एक स्टेट मैचेस हो जाने थे, वो जीते जाते तो ये नहीं कहते कि मुजफ्फरपुर को हराया, वो कहते कि मैं बिहार को हरा के आया हूँ। मेरा बेटा का नाम है मोहम्मद करण कैफ, मैं उसे बोलूंगा आज हम यूपी को हरा के आए हैं। रहना चाहिए और जितना हो सके आप लोग ऐसे ही प्यार मोहम्मद कैफ को देते रहिए, आने वाला दिन आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, मोहम्मद कैफ के लिए अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय रघुनाथपुर, जय आंदोलन। चीफ गेस्ट ट्रॉफी प्रदान करते हुए साथ वाली लाठी के लिए साहबजादा सिसगर साहब, जितेंद्र जायसवाल जी भी मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की बदौलत तक पहुंचे, बैडमिंटन के प्लेयर बने। और अब देखिए ये तस्वीरें खींची जा रही है, बहुत लंबी ट्रॉफी दुल्हा पैलेस के सौजन्य से। एजाज भाई मौजूद है, बहुत बहुत बधाई सभी दर्शकों का। क्रिकेट का फाइनल समाप्त हो चुका है, कल फुटबॉल होगा। बलिया बना मुजफ्फरपुर, मिठाई खा।